आप सभी का स्वागत है अपने तरुण शेयर मार्केट टॉक्स में। तो गाइस आपके लिए DCX जो कि 31 अक्टूबर से ओपन होने वाला है आ गया है पूरा डिटेल रिव्यू। यहाँ पर ऑनेस्टली जैसे हमने पहले आपको सही सजेशन दिया, रिव्यू किया है, सिंपल आसान सरल भाषा में समझाऊंगा कि ये IPO क्या हमें लगाना चाहिए, ये IPO क्या बेहतर हमें पैसा दे सकता है लिस्टिंग के लिहाज से या फ्यूचर में अच्छा गेन कर सकता है। डिटेल रिव्यू में आपको सब कुछ पता चल जाने वाला है बहुत ही आसान शब्दों में। तो आपको करना है बस दो इंपॉर्टेंट काम। अगर जो आप चैनल पे ना है तो सब्सक्राइब पहला, जो कि आप नहीं करते हो, और अगर जो आप वीडियो स्किप करके देंगे तो गाइस आप इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हैं, इसलिए पूरा देखना आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले इसकी डेट से। यहाँ पे 31 को ये ओपन होगा, क्लोज डेट होगा 2 को, अलॉटमेंट डेट है इसकी 7 नवंबर को, लेकिन मैंने यहाँ पे 8 ले लिया है क्योंकि भाई इसका रजिस्टर जो है वो लिंक्डइन टाइम है और लिंक्डइन टाइम पे अलॉटमेंट देता नहीं है, इसलिए एकदम प्रायर लेके चल रहा हूँ। लिस्टिंग 11 को होगी, ₹2 की फेस वैल्यू पे, ₹207 का इक्विटी शेयर है। ₹2 की फेस वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ये स्टैंडर्ड फेस वैल्यू नहीं है, स्टैंडर्ड फेस वैल्यू होती है ₹10 की। तो यहाँ पे जो इसका प्राइस बैंड है गाइस वो 5 टुकड़ों में तोड़ा जा चुका है। अगर जो हम इसको स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे देखें तो करीब ₹1,035 का ये एक शेयर हमारे सामने आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियल प्राइस बैंड है वो ₹207 का है, पर एक्चुअल में ₹1,035 का ये IPO हमसे मांग रहा है। तो यहाँ पे गाइस इशू का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें से 400 करोड़ कंपनी अपने यूज में लेने वाली है, 400 करोड़ कंपनी के खुद के काम में आएगा, यानी कि ये फ्रेश इशू है 400 करोड़। बचा 100 करोड़, तो गाइस आपको इस 100 करोड़ से कोई फायदा नहीं है, इस 100 करोड़ से फायदा होगा प्रमोटर्स को, क्योंकि ये प्रमोटर के जाने वाला है और इसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे फ्रेश इशू जो है 400 करोड़ का और OFS है 100 करोड़ का, जो कि एक पॉजिटिव बात है। 72 शेयर आपको इकलौते मिलने हैं, जिसके लिए 14,904 रुपए करने हैं, और यहाँ पे रजिस्टर मैंने आपको बताया है कि लिंक्डइन टाइम है, 10% का यहाँ पे रिटेलर्स के लिए कोटा रखा गया है। तो ये तो हो गई डिटेल, अब आगे बढ़ते हैं हम इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी के बारे में मैं आपको आसान भाषा SMT स्टाइल में समझाता हूँ। DCX सिस्टम जो है वो 2011 से ऑपरेशनल है, 2011 से काम कर रही है मार्केट में, ठीक है। ये जो कंपनी है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम, केबल हार्सनेस का, और गाइस सिस्टम असेंबली का। अब इस चीज को आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है केबल असेंबली। अब ये जो केबल्स है ना अलग 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 अलग, वायरिंग हार्सनेस भी केबल्स के बंच को एक तरीके से बोल सकते हैं। अब आपको वायरिंग हार्सनेस का बिजनेस एक याद होगा, मदरसन सुमी का डीमर्जर हुआ था, उसका वायरिंग हार्सनेस का अलग हुआ था बिजनेस, वही बिजनेस है लेकिन सेगमेंट थोड़ा सा अलग है। तो गाइस ये जो है ऐसी केबल असेंबली करती हैं जो कस्टमाइज होती हैं, ठीक है, और साथ में वायर हार्सनेस असेंबलीज करती हैं एरोस्पेस के लिए, डिफेंस के लिए, शिप्स के लिए, सैटेलाइट्स के लिए, कम्युनिकेशन में, डाटा स्टोरेज में, पावर रेगुलेशन में, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। और इन्हीं सब चीजों के लिए ये सिस्टम इंटीग्रेशन भी करती है, जैसे अलग अलग सिस्टम्स हो, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करना उनको एक साथ कि वो सही तरीके से वर्क कर पाए, जिसमें मेनली काम इनका क्या है एरोस्पेस में और डिफेंस में, मेजर जो इनका काम है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करती है, किटिंग भी करती है, जो ये अपने प्रोडक्ट दूसरों को सेल करती हैं उनकी किट बना के भी देती है, रेडी टू असेंबल किट, कि मतलब भैया ले जाओ खुद असेंबल कर लो, और उसका यहाँ पे ये ध्यान भी देती है जब तक वो प्रोजेक्ट जो है रेडी ना हो जाए। तो यहाँ पे जो किटिंग है वो बस अपने उन सामानों को, अपने उन चीजों को बना के देना और अलग अलग तरीके से देना, यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में, अब इनका जो मेजर रोल है वो इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम में है, कि भाई देखो पावर सप्लाई के लिए ये इस तरह की असेंबलीज बनाती हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन करती हैं कि वो सही तरीके से वर्क कर सके, जिसमें मेजर मैंने आपको बताया डिफेंस में, एरोस्पेस में, सैटेलाइट में, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, डाटा स्टोरेज, पावर सप्लाई, पावर रेगुलेशन में ये अपने प्रोडक्ट जो है देती हैं। तो यहाँ पे अब आपको बिजनेस समझ आया और कितना इंपॉर्टेंट बिजनेस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 2022 के जून 2030 तक DCX सिस्टम जो है वो इजराइल के 26 बड़े बड़े कंपनियों को सप्लाई करता है अपना प्रोडक्ट, मतलब 26 कस्टमर्स के इजराइल में है, ये कंपनी इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी है। उसके साथ यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, कोरिया और कई बड़े कंपनी Fortune 500 कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट देती है। मेन इसका जो बिजनेस है वो इजराइल में ज्यादा है। यहाँ पे बात करें रेवेन्यू की तो मोस्टली जो रेवेन्यू होता है इजराइल से होता है, ठीक है, लेकिन इंडिया भाई क्योंकि इंडिया इसका मेन बिजनेस हब है तो करीब 40-42% इसका यहां से आता है। अब आपको खुद पता है इजराइल टेक्नोलॉजी मामले कितनी आगे है। तो गाइस ये कंपनी जो है प्रीफर्ड इंडिया ऑफसेट पार्टनर है, जिसे हम IOP कहते हैं, और उसके साथ ही गाइस फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी है, जिसे हम OEMs कह सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको परमिशन है कि किसी भी दूसरी कंट्री को एरोस्पेस, डिफेंस और जो बाकी मैंने आपको बताया है अपने इक्विपमेंट सेल कर सकता है, वो भी धड़ल्ले से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से काफी सपोर्ट भी इनको मिलता है, काफी ज्यादा सब्सिडीज भी मिलती है, आपको पता है एरोस्पेस और डिफेंस को लेके अपना जो कंट्री है और दूसरी कंट्रीज भी कितना ज्यादा अग्रेसिव
एग्रेसिव है, तो इस वजह से इसको बहुत ज्यादा बढ़िया बिजनेस हमें फ्यूचर में भी जनरेट होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे गाइस इसकी वजह से आप देख लो, जैसे इजराइल हो गया, यूएस हो गया, कोरिया हो गया, इंडिया है इसके साथ, और भी कई सारी कंट्रीज, और बड़े बड़े नाम यहाँ पे आपको देने मिल जाएंगे, मतलब प्राइवेट कंपनीज के साथ साथ गवर्नमेंट कंपनीज भी, और सिर्फ इंडिया की नहीं दूसरे कंट्रीज की भी। जैसे यहाँ पे आप देख लो आपके सामने ही है, कंपनी कस्टमर इंक्लूडेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ओईएम्स के, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के काम भी होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया डिफेंस एरोस्पेस ज्यादा ध्यान देती है, साथ में रेलवे भी इसमें इंक्लूडेड है। और यहाँ पे गाइस अगर जो कस्टमर्स के नाम बताओ तो देख लो, एल्टा सिस्टम लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, मतलब ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, सिस्टम मिसाइल एंड स्पेस डिवीजन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है ये इंडिया की आपको पता होगा इसका नाम, एस्ट्रा राफेल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और बहुत बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021-2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो गाइस ये फाइनेंशियली मैं आपको डिस्कस अभी करने ही वाला हूं, तो यहां पे लगभग आप बिजनेस समझ चुके होंगे, ठीक है, कंपनी किस फील्ड में काम करती है, और कंपनी जिस फील्ड में है गाइस हर एक कंट्री, सबसे बड़ी बात कि इंडिया इसका सबसे मेजर मार्केट बन के रहा है, क्योंकि इंडिया की कंपनी है और इंडिया से 40-42% का रेवेन्यू जनरेट होता है, बाकी कंट्रीज से फिर थोड़ा थोड़ा डिवाइड होकर आता है। और मेजर यहां पे देखो बड़े बड़े नाम, इजराइल जैसे नाम जिनमें टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, इंडिया हो गया आपका, यूएस हो गया, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स इनके पास है, वो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के कस्टमर हैं, जिसकी वजह से हमें अभी ये कंपनी जो भी करती दिख रही है मतलब फाइनेंशियल्स में, वो आगे और बेहतर करती होती जाएंगी। और ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट का सपोर्ट सीधा सीधा बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहां पे आपको लगभग सब कुछ समझ में आ चुका है, और अगर जो आगे है समझ में तो एक बार वीडियो लाइक करके जरूर जाना गाइस, क्योंकि इस कंपनी के वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए पूरा दिन लगभग लग जाता है, कंपनी के बारे में पढ़ने के लिए, डेटा ढूंढ के लाने के लिए, स्क्रीनशॉट कलेक्ट करने के लिए, वीडियो बनाना, एडिट करना, बहुत सारा काम करना पड़ता है आपके लिए, जो कि मैं सिर्फ अकेले ही करता हूं। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट आपका होना चाहिए, कमेंट करके बताना जरूर और लाइक जरूर करके जाना। तो चलिए आप फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम करंट बताता दिखूंगा और बाकी सारी डिटेल्स जो हैं, क्योंकि इसके बाद भी कई सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स रह जाती हैं। तो यहां पे गाइस जो डेटा हमारे पास 2020 और 2021 का देखने को मिला है, आगे इसके बाद जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा कोशिश करूंगा कि इसका पुराना डेटा भी मैं आपके लिए फाइनेंशियली ला सकूं। यहां पे गाइस जो वैल्यू है करोड़ में है, तो गाइस यहां पे जो एसेट है वो हमें 2020 में 698 करोड़ देखने को मिला, जो कि बढ़ता हुआ दिखा 2021 में 793 करोड़ का, और उसके बाद इस क्वार्टर में हमें कम होता हुआ दिखा है 30 करोड़ का, यहां पे 663 करोड़ ही रह गया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहां पे है, ठीक है। और यहां पे गाइस रेवेन्यू की बात करूं तो 465 करोड़ उन्होंने बनाया था, अभी यहां पे 2021 में 683 करोड़, काफी अच्छा हमें यहां पे जम देने मिल रहा है। और अगर जो बात करें 31 जून 2021 यानी क्वार्टर 1 तक का, तो यहां पे हमें कंपनी 128.69 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिख रही है। तो अगर जो हम देखें इस क्वार्टर में इतना कमाया है, सेम ऐसे डिवाइड कर देते हैं चार क्वार्टर से एक साल में, तो यहां पे गाइस अप्रॉक्सिमेटली 520 के आसपास देने को मिल जाएगा, जब मैं 130 करोड़ काउंट करूंगा। तो यहां पे 520 से लेके मान लो आप 550 करोड़ तक कमा सकती है, क्योंकि आगे और क्वार्टर जो आएगा उसमें अच्छा करती दिख सकती है, पैसा मिल जाएगा और बेहतर करती दिख सकती है। तो यहां पे गाइस मान लो 600-700 करोड़, लेकिन फिलहाल जो डेटा सामने है वो 550 करोड़ तक का ही हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पे हमें इस क्वार्टर में जंप नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब हल्का सा प्रेशर आता हुआ दिखा है। तो यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी की देख लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे तो 9.74 यहां इन्होंने कमाया था, और उसके बाद गाइस लगभग ट्रिपल से ज्यादा कर दिया इन्होंने अगले साल 29.56 करोड़ का। लेकिन करंट क्वार्टर की बात करें तो 3.34 ही हमें देखने को मिल रहा है, 3.34 का मतलब ये कि 3.5 करोड़ मान लेते हैं 4 करोड़, तो पूरा जो कमा लोगे आप 16 करोड़ मान सकते हैं हम कि इस साल कमा लोगे, बहुत अच्छा कर लिया, तो 20 करोड़। तो गाइस यहां भी हमें देखने को मिल रहा है डाउन, मतलब 2021 से 2022 का जो डेटा है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हमें प्रेशराइज्ड होता हुआ दिख रहा है इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो रेवेन्यू है, और यहां पे साथ साथ इसका जो एसेट है। तो यहां पे ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो इस कंपनी के लिए रहने वाला है, साथ में इसका पुराना डेटा मिलेगा तो इसमें लॉस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि और जो कंपनी को पिछले 3 सालों में एक बार भी लॉस हुआ है, तो कंपनी 10% से ज्यादा अपना आईपीओ का जो पार्ट है सेल करती है रिटेलर्स के लिए, इसमें 10% का कोटा रखा गया है ना, वो नहीं कर सकती है, रूल है, तो इसमें 10% का रखा गया है, इसका मतलब है कंपनी एक बार लॉस में रही होगी। तो जब भी मैं इसका अगले वीडियो बनाऊंगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना कि इसका ये पुराना डेटा मैं उठा के लाऊंगा, और दूसरा कोई ऐसा रीजन तो नहीं रहा है इस कंपनी में कि हमें ये डेटा डाउन होता हुआ दिख रहा है, जो कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन है तब तो ठीक है, जैसे कोविड टाइम में रीजन था हमारे पास कि भाई गिर रहा था, ठीक है सब गिरे थे, वैसा कुछ होगा तो एडजस्टेबल है, वरना यहां पे एक नेगेटिव पॉइंट है, ये कंपनी ने यहां पे बंपर पैसा कमाया पिछले साल, ठीक है, अचानक से ये डाउन होते हुए दिख रही है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, हर चीज में। तो यहां पे अभी मैं आपको फाइनल डिसीजन भी दूंगा कि क्या करना चाहिए। तो यहां पे गाइस जो फाइनेंशियल है वो ओके ओके देखने को मिल रहा है हमें, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म तब होती जब इन्होंने ट्रिपल किया था, यहां एटलीस्ट डबल करते हुए दिखाते, यहां कम से कम 5-6 करोड़ होता तो लगता कि चल ठीक है भाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि यहां पे इतना बढ़िया प्रॉफिट दिखाया था और यहां पे डाउन। तो इसका रीजन मैं फाइंड आउट करके जब भी अगली वीडियो बनाऊंगा आपको जरूर बता दूंगा। तो यहां पे
एज देख लो, आप पूछते हो कि कितना लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम रिटेलर जो है वो अप्लाई कर सकता है 13 लॉट, जिसके लिए आपको 936 शेयर मिलेंगे और यहाँ पे इतना लगेगा पैसा। जो स्मॉल एचएनआई गाइस, अगर जो आपको एचएनआई के डेट में लगाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिनिमम 14 लॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 लाख से ऊपर का लगाना होता है और 10 लाख से कम का। जो बिग एचएनआई गाइस, उनको मिनिमम 68 लॉट लगाने होंगे जिसमें इतने शेयर मिलेंगे और 10 लाख से ज्यादा का पैसा लगने वाला है। तो यहाँ पे गाइस फायदा इस बार, अगर जो आईपीओ अच्छा लगता है तो लगाने में है स्मॉल एचएनआई वाले कैटेगरी में। उसका रीजन है वहां पे मिलना इस बार ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि रिटेलर का कोटा कम रखा गया है। तो यहाँ पे गाइस फाइनली इस आईपीओ में हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखो फाइनली इस आईपीओ में बिजनेस बहुत बढ़िया है, लॉन्ग में बहुत अच्छा कर्जा दे सकता है, काफी शानदार कंपनी है, लॉस बनाने वाली नहीं है, गवर्नमेंट का मतलब आशीर्वाद है इस कंपनी पे, और अपने सेगमेंट में काफी बेहतर करती कंपनी दिख रही है, इंडिया से काफी अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, ओवरऑल कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको मैंने बताई कि 1035 रुपए का शेयर है, जिस हिसाब से यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट कर रही है उसके हिसाब से थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इनके बिजनेस की वजह से एडजस्ट किया जा सकता है। तो अब हम इस आईपीओ में पैसा बचा के रखेंगे, लेकिन लगाने का डिसीजन लेंगे लास्ट डे, जैसा कि हम हर बार करते हैं, जब हमें सेफ्टी मिल जाएगी, क्योंकि भाई छोटी लिस्टिंग के लिए 15-20% तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी कमा सकते हो एसएमटी का। यहाँ देखो रेगुलर कॉल देखने को मिल जाती है, कल की परफॉर्मेंस थी ये, जाके चेक कर लो आप, आपको 14 कॉल दी थी, 3 इंट्राडे और 11 कॉल, और बंपर हिट होता हुआ दिखा है, और आपके लिए बहुत सारे दीपावली गिफ्ट और ऑफर आपका वेट कर रहे हैं। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर 1 पे लिंक मिल जाएगा और नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा न्यूज चैनल का, जहां पे जीएमपी शेयर की जाती है लेटेस्ट। तो गाइस जीएमपी के लिए न्यूज चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारे लेटेस्ट सब के लिए क्वार्टर के रिजल्ट और सारे न्यूज वहां पे शेयर के आपको देने को मिल जाते हैं। और चाहिए कॉल, बंपर प्रॉफिट कमाना है तो ये चैनल जरूर जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैंने आपको बता दिया। अगर जो आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो लिंक से तो आप सर्च भी कर सकते हो सेम इसी नाम से। तो यहाँ पे गाइस DCX में आपको जो नेगेटिव पॉइंट्स थे मैंने बता दिया, जो पॉजिटिव है वो बता दिया। यहाँ पे इसका प्राइस पॉइंट एडजस्ट हो जाता है इस बात के लिए भाई चलो ठीक है बढ़िया कंपनी है, फ्यूचर में अच्छा करती देगी, लेकिन हमारा लिस्टिंग गेन के लिए आज से, लिस्टिंग गेन मतलब 10%, 15%, 20% भी मान लो, मैं तो नहीं लगाता हूं, आप मान लो अपने हिसाब से देख सकते हो भाई चलो ठीक है आपको 10% समझ में आता है तो आप जाके पहले दिन लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको day 2 पे एटलीस्ट रुकना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो, और जल्दी नहीं है तो day 3 पे लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें जरूरी है देखना कि कौन कितना पैसा डाल रहा है, कितना पैसा आ रहा है, अगर जो पैसा नहीं आया तो अच्छे से अच्छा आईपीओ भी आपको धड़ाम होता हुआ दिख जाता है, अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात कौन पैसा डाल रहा है ये मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइस जैसे मैं हमेशा आपको फाइनल दिन वीडियो देता हूं जिससे आपका हमेशा प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस कभी नहीं हुआ है, कम हुआ है लेकिन लॉस कभी नहीं हुआ। वैसे मैं आपको day 3 पे बताऊंगा, day 2 पे भी आपको मैं दिखाता हूं वीडियो, तो वो आप जरूर देख लेना। यहां पे इसके लिए पैसा बचाना है, इस आईपीओ में पैसा बन सकता है लेकिन थोड़ा सा रिस्क के साथ। इसका जो लेटेस्ट ग्रीन मार्केट में गाइस वो हमें देखने को मिल रहा है 40 से 45 रुपए, लेकिन ये अभी नया आईपीओ तो फ्लक्चुएशन देने मिल सकती है, 50 कभी 45 कभी 40 हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो यहां पे 3200 रुपए तक का गेन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बनता है 20 से 21% गेन यहां पे। तो गाइस अभी इसके लिए इतनी डिमांड अच्छी है, सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ, डेट पास आएगी तो ये डिमांड बढ़ती दी जाएगी, और इसके बारे में हर एक अपडेट लेटेस्ट टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग अगर जो करनी है आपको साथ में तो फिर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहां पे सब कुछ डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी और बहुत सारे ऑफर आपका वेट कर रहे हैं, दीपावली के गिफ्ट आपके लिए चैनल पे। तो यहां पे गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, करते हैं वीडियो का एंड, थैंक यू वॉचिंग, पीस एंड बाय बाय फॉर नाउ।